एक प्लेट बिरयानी का प्राइस 100 रुपीस है, अगर वो 70 रुपीस में मिलता है तो बहुत सारे लोग टूट पड़ेगा खरीदने के लिए। सेम उसी तरीके से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बहुत सारे स्मार्टफोन के ऊपर भर भर के डिस्काउंट मिल रहा है। 20,000 या 22,000 रुपीस के आसपास जो सारे स्मार्टफोन मिलता है, वही स्मार्टफोन इस सेल में 15,000 के नीचे आ चुका है। इसके वजह से बहुत सारे भाई लोग फोन भी खरीद रहा है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 15,000 के अंदर टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आप लोगों को इस सेल में खरीदना चाहिए। हमारे लिस्ट में सबसे पहला जो स्मार्टफोन है पोको X4 Pro 5G, 6GB 128GB वेरिएंट मिलता है, Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट दिया गया है। PUBG, Call of Duty, Asphalt 9 वगैरह काफी अच्छा खासा चलेगा, अच्छी तरीके से खेल पाओगे। और ऑब्वियसली पोको जाना जाता है तो गेमिंग के लिए, गेमिंग के ऊपर ध्यान देते हुए ऑप्टिमाइज करता है पोको। 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले भी दिया गया है, बड़ा डिस्प्ले है, गेम खेलने भी मजा आएगा और मूवी वगैरह देखने में भी मजा आएगा। चेन बेजल्स बहुत ही पतला है और पंचोल सेल्फी कैमरा के साथ आता है। 5000 एमएच का बैटरी मिलता है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल पोको की तरफ से काफी अच्छा स्मार्टफोन है, 20,000 के ऊपर मिलता है ये फोन, लेकिन इस सेल में 14,000 में मिल रहा है। फ्लिपकार्ट में मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो अगर आप लोग इस फोन में इंटरेस्ट हो तो। दूसरा जो स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से, रियलमी 9S यानी कि स्पीड एडिशन, ज्यादातर गेमर ये फोन खरीदता है, गेमर के ऊपर ध्यान देते हुए इस फोन को बनाया गया है। और इस फोन में भी मैंने बहुत सारे गेम वगैरह प्ले किया हूं, अच्छा खासा चलता है, लैग जीटीआर फ्रेम ड्रॉप का कुछ भी सवाल नहीं है। 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, डिस्प्ले इसका काफी अच्छा है, मैं बहुत सारे मूवी वीडियो वगैरह देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। Qualcomm Snapdragon 778G चिपसेट दिया है, मैं पहले भी बता चुका हूं, गेमर्स ज्यादातर 20,000 रुपीस के अंदर यही फोन को खरीदता है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा दिया है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5000 एमएच का बैटरी है और डिजाइन भी इसका काफी अच्छा है, डिजाइन के वजह से भी बहुत सारे लोग इस फोन को खरीदता है। इस फोन का जो प्राइस है वो 19,000 रुपीस के आसपास मिलता है, लेकिन इस सेल में 15,000 रुपीस में मिल जाएगा और ये फोन भी फ्लिपकार्ट में मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। और यहां पे जो सारे स्मार्टफोन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, हर एक स्मार्टफोन को मैं खुद यूज किया हूं, उसके बाद आप लोगों को रिक्वायरमेंट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकेशन देखकर बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो स्मार्टफोन है वो भी रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 50 प्रो, किलर स्मार्टफोन है। डिजाइन के साथ साथ अंदर जो सारे स्पेसिफिकेशन दिया है ना, आप सुनोगे आपका भी दिल भर जाएगा। इस फोन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 चिपसेट देखने को मिलता है, गेमिंग तबड़तोड़ चलेगा, गेमिंग के बारे में कोई भी यहाँ पे शिकायत नहीं है। उससे भी बड़ी बात एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। मूवी या वीडियो वगैरह ज्यादा देखते हो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह, ये फोन आपके लिए सही रहेगा। उसके साथ साथ गेमिंग और स्क्रॉलिंग के लिए भी सही रहेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के वजह से। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है, कैमरा भी इसका काफी अच्छा है, 5000 एमएच का बैटरी है, 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया है, तो 1.5 घंटे के अंदर ये फोन फुल चार्ज भी हो जाएगा। इस फोन का जो नॉर्मल प्राइस है वो 20,000 रुपीस के आसपास मिलता है, लेकिन इस सेल में आप लोगों को 15,000 में मिल रहा है। और ये फोन अमेज़न में मिलता है, अमेज़न में कम प्राइस में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में अगर आप सर्च करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं इस फोन का, और ऐसे भी सारे फोन का रिव्यू देखने के लिए कार्ड में वीडियो को चेक कर सकते हो, कार्ड में सारे फोन का रिव्यू मैं ऐड कर दूंगा। अगर आप लोगों को ज्यादा रैम चाहिए तो चौथे नंबर में जो स्मार्टफोन है वो आप लोगों के लिए है, मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स जीरो 5G के बारे में। इस फोन में 8GB 128GB वेरिएंट मिलता है और 15,000 के अंदर अगर आप लोग 8GB के साथ जाना चाहते हो तो इस फोन के पास जरूर एक बार चेक करना। सिर्फ यहां पे 8GB का रैम नहीं है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मिलता है अच्छा अच्छा, जैसे कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 चिपसेट मिलता है, तबड़तोड़ पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी एस्पल 9 या जो भी हाई ग्राफिक्स का गेम है इस फोन में अच्छी तरीके से खेल पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। 5000 एमएच का बैटरी मिलता है, बैटरी आपका दिन भर चल जाएगा। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले भी दिया है। तो अगर आप लोगों को बड़ा डिस्प्ले चाहिए, व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी बेटर चाहिए तो आप लोग इन्फिनिक्स जीरो 5G के पास देख सकते हो। बड़ा डिस्प्ले, रैम ज्यादा हो, ये सब कुछ अगर आप लोगों को एक ही फोन में चाहिए तो इन्फिनिक्स जीरो 5G आप लोगों के लिए सही रहेगा। इन्फिनिक्स जीरो का जो प्राइस है वो 15,000 है, लेकिन इस सेल में 13,500 के आसपास ये फोन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, UI स्मूथ हो, तो आप लोग देख सकते हो मोटो G62 के पास। ये भी तबड़तोड़ स्मार्टफोन है, 6GB 128GB वेरिएंट मिलता है, Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट दिया गया है, 6.55 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले भी दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का
सेल्फी कैमरा है, 5000 एमएच का बैटरी है, डिजाइन भी काफी अच्छा है। हाँ, ये फोन स्लाइडली हेवी वेट और मोटा लगता है। इसके अलावा ये फोन तबड़तोड़ स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। ये था हमारा टॉप 5 का लिस्ट जो कि 15000 के अंदर अभी मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है हमारा जो लिस्ट है इस लिस्ट में और भी बहुत सारे स्मार्टफोन को ऐड करना चाहिए था, ये 5 फोन में से वो बेटर फोन है, अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी स्मार्टफोन लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग कमेंट पढ़ता रहता है, उन लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। आपके फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले 15000 के अंदर कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है, वरना खरीदने के बाद अगर ये वीडियो देखेगा तो उन लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।